जहाँ तक तुगलकाबाद महेंद्र सिंह तुगलकाबाद मंदिर के तोड़ने की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीटीए द्वारा जो आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है और इससे संविधान की रक्षा नहीं हुई, संविधान का स्वरूप बिगाड़ा है। उस आर्टिकल 25 को अनुपालन के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा सारा समाज उसको मतलब है कि सबरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जब तक तुगलकाबाद में पुनः रविदास मंदिर नहीं बनता, हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हम आपको ये झला देते हैं कि हम बीच में नहीं हटेंगे। हमारे रविदास में उस रविदास के लिए जिन्होंने मतलब के अपनी एकता का परिचय दिया, सिकंदर लोधी ने सदरा किसाई को कसाई को भेजा था कि गुरु रविदास जी के पास के जाइए, उनको धर्म परिवर्तन करवाइए, लेकिन गुरु रविदास जी ने धर्म परिवर्तन के लिए बिल्कुल मना कर दिया और उल्टा सदरा कसाई गुरु जी का चेला बन गया। ये सबसे बढ़िया है। अरे ये थी हमारे गुरु जी की एकता की बात, वो एकता कहाँ गई? उस एकता के लिए जो हम लड़ रहे हैं, हमारा समाज 600 सालों से लड़ रहा है उस एकता के लिए, आज हिंदू लोग वो हिंदू धर्म के ठेकेदार जो कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भाई क्या हिंदू हो? अरे आप जो हमें हिंदू में गिनते हो तो हमारा कोई पक्षधार भी रखो, हमारी बात भी रखो, तो इसका मतलब तो तुम हमें हिंदू में नहीं गिनते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस समाज की नींव गुरु रविदास जी ने रखी, उस समाज को बाबा साहब ने भी अपने उसमें दिया। यही नहीं, लेनिन के कार्ल मार्क्स ने भी ये इंग्लिश जो शुरू की, जो अपने कहे इनको ऐसा चाहूं राज में जा मिले सवन को अन्न, छोड़ बस समय रविदास प्रसन्न रहे प्रसन्न, इस बात को उन्होंने अंग्रेजों ने समझ लिया था, फिर उस बात को बाबा साहब ने समझ के अपने संविधान में जगह दी, उस संविधान में जगह दी जो आज ये है। जो चांद की बात, जो समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद का नारा रविदास जी ने दे दिया था। अरे आप क्या करोगे? आज से 650 साल पहले रविदास जी ने उस नारे को बढ़ाया, और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये एक हर एक सभा समिति, मैं अभी आपको बता दूँ कि सर सुप्रीम कोर्ट के सब रजिस्ट्रार के लिए एक एप्लीकेशन में लिख कर अभी पाइप स्पीड पोस्ट क्या कर रहा हूँ, और सबका ये हक बनता है हर एक रजिस्ट्रार सोसाइटी के द्वारा एक सब रजिस्ट्रार के लिए एक वोट भेजो, चिट्ठी भेजो कि हमारे मंदिर को वहीं पुनः स्थापित किया जाए, उस जमीन को वापिस दिया जाए जैसी कि वो थी। वो जीडीए द्वारा जो 25 आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है, मैं बस कहता हूँ कि उसको द्वारा उसका अनुपालन होना चाहिए और रविदास मंदिर वहीं बनना चाहिए, ये हमारी सबसे प्रथा है। भाइयों आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा है, आप जो इसलिए डटे हैं, अभी तो हमें बहुत परीक्षाएं देनी है, अभी हमें बहुत आगे चलना है। ये कहा है हमारे 96 लोग, यहाँ हमें 96 लोगों को बंद कर दिया, जो न्यायिक जुडिशियल ने उसमें भेज दिया। अरे भाई उन्होंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया क्या जो 14 दिन की न्यायिक में भेज दिया? अरे भाई तुमने मंदिर का ढांचा ला दिया, राम मंदिर का मतलब है कि वो बाबरी मस्जिद को ला दिया, सबरी वाला मस्जिद का जो था वो तुमने कानून सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और उसको फिर निरस्त किया, बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हम पूछना चाहते हैं ये क्यों नहीं निरस्त हो सकती? इसको निरस्त होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा। हम उससे क्या कहते हैं कि सब आप लोग तैयार रहिए, कुर्बानी के लिए तैयार रहिए, आगे के लिए हिम्मत करके सब 108 जगह है, हम दिल्ली की सारी जनता तो साथ है, सारा भारतवर्ष हमारे साथ है, हम उनकी बात के लिए हम सब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और करते हैं कि अच्छे रहे आगे। अब हर रोज यार एक इंसान यहाँ 2-4 घंटे के लिए जरूर आएगा, जिससे कि हमारी एकता का प्रदर्शन करे और अनिश्चितकालीन करने का एक उसका मतलब हो, तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।